हाँ डियर स्टूडेंट, इस फाइल के अंदर अपन देखते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति भाग पांच जो अपन जैसे देख रहे हैं पार्ट फाइव के अंदर चैप्टर वन जो है उसी के अंदर उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति संबंधी जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 63 से लेकर 63 से लेकर 71 तक अपन देखेंगे। सबसे पहला अपन बेस आर्टिकल देखते हैं, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 63। आर्टिकल नंबर 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और जैसे अभी अपन ने थोड़ा पिछले वाले वीडियो में देखा था कि अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, 52 का 52 में वर्णन है राष्ट्रपति का और 63 वर्णन है उपराष्ट्रपति का। देखो इसमें क्या है, ये दोनों में इकाई और दहाई पे प्लस वन कर दिया है, 2 से 3, 5 से 6। फिर अच्छा अपन देखेंगे 52 में राष्ट्रपति और 63 में उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है, प्रथम सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, तो दूसरा सर्वोच्च पद कौन, उपराष्ट्रपति। ये चीज है, तो अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 63। ओके, ये बेस चीज है। फिर अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 64। आर्टिकल नंबर 64 क्या कहता है, 64 का जो आपको माइक्रो वर्ड याद रखना, दैट इज पदेन सभापति। ये आर्टिकल क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है तथा वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है। ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट, जैसे ये आर्टिकल हो जाता है अभी अपन जब इसको देखेंगे तो मैं आपको और बताऊंगा, आगे डिटेल में और देखेंगे। तो ये चीज क्या है, ये चीज ये लो है ना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिसो चेयरमैन। अब ये पदेन जो है ना एक्स ऑफिसो, ये थोड़ा सा अपने को समझना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो क्या चीज है, जैसे कोई मान लो ये व्यक्ति है पर्सन ए, ठीक है, अब दो ऑफिस हैं, ऑफिस नंबर 1 और ऑफिस 2। ओके, तो अब ये व्यक्ति जो है ना ये ऑफिस 1 को हेड करता है। अब ये चूंकि ऑफिस 1 का हेड हो जाएगा होता है तो ये ऑफिस 2 का ऑटोमेटिक हेड हो जाएगा। ठीक है ना, इस ऑटोमेटिक होने को ही अपन क्या बोलते हैं, पदेन या एक्स ऑफिसो, कि ऑफिस 1 का हेड है तो ऑटोमेटिक ऑफिस 2 को भी वो हेड करेगा। ठीक है ना, इसको अपन बोलते हैं पदेन। पदेन का मतलब इसका उल्टा नहीं होता है, उल्टा मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऑफिस 2 का हेड है तो वो ऑफिस 1 का हेड हो गया। ठीक है, ये जो जिसको अपन वाइस वर्सा बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है, सिर्फ यही सही है कि ऑफिस 1 का हेड है तो ऑफिस 2 का भी वो हेड हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ऑफिस 2 का हेड है तो ऑफिस 1 का हो जाएगा, समझ गए। अब समझो आर्टिकल नंबर 64 के संदर्भ में कि कोई व्यक्ति जब उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो जाता है तो वो राज्यसभा का चेयरमैन ऑटोमेटिक हो जाता है, समझ गए। तो ये जो ऑटोमेटिक होना जो है ना, इसको अपन बोलते हैं पदेन एक्स ऑफिसो। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसका उल्टा सही नहीं है, उल्टा मतलब ऐसा नहीं है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति हो जाएगा पदेन, ये अपने को समझना है। ठीक है ना, ये बिल्कुल बेसिक कॉमन चीज है लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बना के रखो, कॉन्फिडेंस आएगा, समझ गए, ये चीज है। तो आर्टिकल 64 ये कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है तथा वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इस समय वह सभापति को मिलने वाले वेतन भत्ते प्राप्त करता है, मतलब जिस समय, इस समय का मतलब है जिस समय वो राज्यसभा का पदेन सभापति रहता है उस समय वो राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको वेतन भत्ते मिलते हैं। क्या है फिर आगे, संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए वेतन आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, समझ लो ना, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है ना वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, उपराष्ट्रपति पद की कोई भी सैलरी उपराष्ट्रपति को नहीं मिलती है क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में उसकी कोई कार्य नहीं है, उसका जो पदेन रूप है उसके रूप में वो कार्य करता है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे डिटेल में वो देखेंगे। ठीक है ना, संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए वेतन आदि की व्यवस्था नहीं है, उसे जो भी वेतन मिलता है वह किसे अच्छे अच्छे मिलता है, राज्यसभा के पदेन सभापति के कारण ही मिलता है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ जा रहे आप। तो कहीं भी लिखा रहे ना उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए मंथली, गलत, 4 लाख गलत नहीं, गलत ये कि उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं है, वो राज्यसभा के सभापति का वेतन है। अब आप बोलोगे सर बात तो एक ही है, मैं ये नहीं कह रहा कि बात एक नहीं है, लेकिन किस हैसियत से उसको मिल रहा है ये चीज देखने वाली बात है। अब फिर आप बोलोगे सर उपराष्ट्रपति को वेतन क्यों नहीं मिल रहा, किस नाम से क्यों नहीं है, अनुसूचित 3 के अंदर इस नाम से इसलिए नहीं है क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य नहीं कर रहा है, कार्य कर रहा है वो जो उसका पदेन रूप है उसके रूप के अंदर, यूं चीज है।
ठीक है, फिर ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको अपन को ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं है, वेतन जो भी मिल रहा है वो पदेन सभापति मतलब पदेन राज्यसभा का सभापति उसके रूप में मिलता है। फिर जो कार्यवाहक राष्ट्रपति वाली चीज है वो अभी देखते हैं, ठीक है ना। वर्ष 2018 में संसद ने राज्यसभा के सभापति का वेतन 1.25 लाख रुपए प्रति महीने से बढ़ाकर 4 लाख रुपए प्रति माह कर दिया है। किसका वेतन? उपराष्ट्रपति का नहीं, राज्यसभा के सभापति का, ठीक है। इसमें ना राज्यसभा के सभापति के लिए अपन राज्यसभा का अध्यक्ष वर्ड यूज नहीं करेंगे, अध्यक्ष वर्ड जो होता है ना अध्यक्ष, ये स्पीकर जो है ये लोकसभा के संदर्भ में यूज आता है। राज्यसभा के संदर्भ में अपन वर्ड बोलेंगे हमेशा क्या, चेयरमैन सभापति। तो इसका कितना वेतन है? 4 लाख रुपए मंथली। ओके ओके, फिर आगे देखते हैं अपन। जब उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65, हालांकि अब अपन आर्टिकल 64 देख रहे हैं, 65 अभी आएगा आगे, लेकिन पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति पद के कार्यों को करता है तब वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन आदि का हकदार होता है, अर्थात तब वह राज्यसभा के सभापति को मिलने वाले वेतन आदि का हकदार नहीं होता, है ना। जैसे अपन देखते हैं राष्ट्रपति का पद जब खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उसके ऊपर आता है। जैसे अपन ने देखा जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद बीबी गिरी आए और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बीडी जत्ती आए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तब जो व्यक्ति मतलब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसको राष्ट्रपति के वेतन भत्ते सारे मिलते हैं, तब वो राज्यसभा के सभापति का वेतन उसको नहीं मिलता। क्योंकि ये इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जैसे अपन जैसे देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट से एट अ टाइम एक ही पद की सैलरी ले सकता है, क्योंकि जिस पद की उसको सैलरी मिलती है ना वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में फिर काउंट हो जाता है। यूं अपने को समझना है। तो उपराष्ट्रपति रहते रहते अगर राज्यसभा का पदेन सभापति है तो राज्यसभा के सभापति की हैसियत से वो वेतन ले रहा है, और राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त हो गया तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा है तो उस समय एक्टिंग प्रेसिडेंट की वो सैलरी लेगा, ठीक। ये अभी शुरू शुरू में आपका आ रहा है, अभी जब आप इसको आगे डिटेल में देखिए तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो उसके मतलब अपन ने देखे कि दो रूप में वो सैलरी प्राप्त कर सकता है, एक तो मिलेगी ही मिलेगी क्योंकि पदेन सभापति तो है, लेकिन अगर किस्मत अच्छी है राष्ट्रपति का पद खाली हो गया कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कभी काम करने का मौका मिला तो वो सैलरी भी उसको हकदार हो जाएगा। लेकिन दोनों में से कोई एक काम एक समय में करेगा तो इस कारण से दोनों में से एक समय में एक सैलरी उसको मिलेगी। ऐसा नहीं है एक समय में मतलब आज की तारीख को वो सभापति भी बन जाए और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन जाए, ऐसा नहीं होगा। तब ऐसा जब नहीं हो सकता तो सीधी सी बात है कि उसको दो पद की एक दिन में ही दो पद की सैलरी नहीं मिल, ये चीज समझने वाली है, ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं फिर क्या है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सिर्फ सभापति होता है उसका भी सदस्य नहीं है। तो अपन जैसे देखेंगे आगे डिटेल में हो रहा, ठीक है ना। वोटिंग वगैरह अपन जैसे पढ़ेंगे निर्णायक मत डाल सकता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो राज्यसभा संसद के किसी भी सदन का क्या सदस्य नहीं होता है, राष्ट्रपति भी ये चीज देख दी अपन ने, ठीक। फिर क्या, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, सदस्य नहीं है, अतः इसे मतदान करने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि मतदान कौन कर सकता है जो सदस्य हो। किंतु क्या बड़े इंपॉर्टेंट हो जाता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। निर्णायक मत क्या है कि जैसे मान लो किसी बिल को लेकर राज्यसभा के अंदर वोटिंग हुई तो यस में भी जैसे यस में और नो में बराबर बराबर मत पड़े, जैसे इधर भी 10 पड़े इधर भी 10 पड़े फॉर एग्जाम्पल, तो डिसीजन तो हुआ ही नहीं, तो अब निर्णायक मत पड़ेगा, ठीक है, डिसाइसिव वोट। तो वो डिसाइसिव वोट कौन डालता है? सभापति। क्योंकि देखो डिसाइसिव वोट का किस लिए रखा है इस कॉन्स्टिट्यूशन ने, क्योंकि अगर ये ऐसे टाई हो जाएगा हमेशा तो कभी डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल पास ही नहीं होगा निर्णायक मतलब निर्णायक मत अगर नहीं होगा तो इसलिए निर्णायक मत दिया गया किसको, राज्यसभा में, ठीक है। ये चीज है तो अभी अपन राज्यसभा के संदर्भ में देख रहे हैं, ओके। तो ये था आर्टिकल नंबर 64, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो आप माइक्रो के अंदर याद रखोगे वो क्या वर्ड है, दैट इज पदेन 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 सभापति, ठीक है ना। और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अभी अपन आगे देखेंगे अनुच्छेद 65 में, लेकिन या तो एक समय में अनुच्छेद 64 ही काम करेगा या अनुच्छेद 65 ही काम करेगा, ये अपन को समझ के रखना है एक समय में, ओके। अच्छा।
डिटेल में और देख लेंगे, लेकिन अभी समझते जाओ चीजों को। अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 65 65 65 क्या कहता है। राष्ट्र राष्ट्रपति के पद पर आकस्मिक रिक्ति या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति। देखो इस वर्ड को बोलना सीखो, एक्टिंग प्रेसिडेंट इसको अपन बोलते हैं, है ना। ये क्या होता है समझ तो चुके हैं अपन, लेकिन जब बार बार ये अपन बोलते हैं ना कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो ये मत बोलो आप यूं बोलो कि उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, समझ रहे हो। ये वर्ड अपन को बोलना आना चाहिए, वही मैं कह रहा हूं, कार्यवाहक राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट। अब आप समझ गए दोनों में फर्क क्या है। प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट निर्वाचित होकर आया, ठीक है ना। कार्यवाहक राष्ट्रपति जो निर्वाचित नहीं है, एक जो वैक्यूम मतलब पद जो आकस्मिक रिक्त हो गया उसको भरने के लिए, प्रेसिडेंट पोस्ट के ऊपर जो वैक्यूम निर्वात उत्पन्न हो गया उसको पूरा करने के लिए उपराष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये चीज है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बोलना सीखो कैसे बोलेंगे अपन, है ना। मतलब इसका मतलब क्या है वो समझो। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 65 के अंदर ये पढ़ना है। क्या है देखो, राष्ट्र आकस्मिक रिक्ति पढ़ो, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, पद त्याग हो जाए, ठीक है ना, त्याग पद देता है अपना उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति, या हटाया जाए महाभियोग, ठीक है ना। हटाए जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति जिस स्थिति से लेकर उपराष्ट्रपति उस स्थिति से लेकर जिस दिन से मतलब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट ने काम के रूप में काम करना चालू किया, उस स्थिति से लेकर नव निर्वाचित राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति के पद पर रहकर कार्य करेगा। समझ गए। आकस्मिक रिक्ति हो गई किस कारण से, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उन्होंने त्याग पद दे दिया या पद से हटा दिया गया मात्र, ठीक है। तो ये रिक्ति जब उत्पन्न हो जाती है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन सामने आता है, मतलब उपराष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सामने आता है, ठीक है। तो ये महाभियोग वाला जैसे पिछली फाइल मैंने जैसे बता ही दिया था, आर्टिकल याद ही आपको 6160, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया ये सारा 61 समझ गए। फिर दूसरा क्या है, जब राष्ट्रपति बीमारी आदि के कारण कार्य करने में असमर्थ होता है तब उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद धारण करने तक राष्ट्रपति पद पर कार्य करता है, है ना। मतलब दो स्थिति के अंदर वो क्या कर सकता है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, क्या आकस्मिक रिक्ति या अनुपस्थिति के अंदर। ये बीमारी के समापन देखेंगे, बीमारी का एग्जाम्पल भी आएगा, राजेंद्र प्रसाद की बीमारों ने फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने निभाया कार्यवाहक राष्ट्रपति ऐसे। फिर क्या देखते हैं, क्या देखो, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन भत्ते उन्मुक्तियों तथा विशेष अधिकार। वेतन भत्ते तो मतलब क्या होगा, सैलरीज एंड अलाउंसेस, उन्मुक्तियां होती हैं मतलब जो छूटे जैसे जो उनको होती हैं, ठीक है, और विशेष अधिकार जो उनको प्रिविलेजेस होते हैं वो, ठीक है, को प्राप्त करने का अधिकारी होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे राष्ट्रपति की अपन ने सैलरी देख ली थी 5 लाख, तो मान लो एक महीने उसने राष्ट्रपति के रूप में काम किया कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तो 5 लाख सैलरी मिल जाएगी एक महीने की, और मान लो कुछ दिन किया तो उसी अनुपात के अंदर सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। मतलब एक दिन काम किया तो 5 लाख / 30 × 1 ऐसे आ जाएगा। फिर क्या है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने महीने तक काम कर सकता है, 6 महीने तक की अवधि तक ही कार्य कर सकता है। इस अवधि में मतलब 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक है, ठीक है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अपने को पता होना चाहिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा छह महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, और जिस समय वो काम करेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उस समय उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति की सैलरी मिलेगी, मतलब 5 लाख रुपए, तब उसको वो राज्यसभा का पदेन सभापति का वेतन नहीं। ओके, तो अपन ने 64 और 65 में दो बार अलग अलग स्थिति देखी, अनुच्छेद 64 में पदेन सभापति, अनुच्छेद 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 का जो माइक्रो बनेगा वो क्या बनेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति। माइक्रो याद रखने आर्टिकल्स वगैरह के, माइक्रो फाइल में आपको कई बार दिखा चुका हूं। अब अपन देखते हैं अनुच्छेद 64 और 65 का एक सार, है ना। सार का मतलब नट सेल के अंदर अपन देखते हैं उपराष्ट्रपति के कार्य। तो उपराष्ट्रपति के कार्य देख लिया अपन ने 64 और 65 में, आओ लिखा हुआ लेकिन कंपेटिव समझना है क्या है। राष्ट्रपति के पश्चात भारत का सर्वोच्च अधिकारी उपराष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 63 में अपने देख लिया कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद ऐसा पद है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, उपराष्ट्रपति का पद ऐसा पद है जिसके अपने कोई कार्य नहीं होते हैं,
इसलिए उपराष्ट्रपति पद की सैलरी नहीं मिलती है। वो अपने पद के कोई कार्य नहीं होते, लेकिन वह निम्न दो पदों पर, लेकिन क्या ब्रैकेट में देखो, मतलब निम्न पद दो पदों पर कार्य करता है एक समय में नहीं, मतलब एक समय जैसे मान लो आज के दिन वो दोनों में से एक ही काम करेगा, ये जो दो काम नीचे अपन देख रहे हैं ना, इन दोनों में से एक काम ही करेगा एक दिन में, ऐसा नहीं है कि दोनों काम कर दे एक दिन में। ये चीज समझने वाली है जो ये लाइन आ रही है ना, क्या एक समय में नहीं, ये दो पद जो है ना उन पे एक समय में नहीं रह सकता। अब ये दो पद कौन कौन से हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 64 देख लिया। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, पद त्याग कर दे, यानी किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, अभियोग हटा दिया जाए 61 के तहत, तो या बीमार हो जाए, तो क्या है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है ना। अब इसमें यहाँ क्या ये वर्ड जो है ना, यहाँ जो अपने को मैं पहले ही बताया था अनुच्छेद 65 का, जैसे जो अपन को माइक्रो याद रखना है वो क्या वर्ड याद रखना है, कार्य वाहक, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, साइंटिफिक वर्ड है और ये अपन को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो पदेन सभापति और कार्यवाहक ये चीज, तो 63 में तो है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा, 64 में पदेन सभापति, 65 में है कार्यवाहक राष्ट्रपति, ऐसे। अब देखो क्या इन लाइनों को पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति एक समय में एक ही पद पर कार्य करने, एक ही पद के कार्यों का निर्वहन करेगा, एक ही पद मतलब या तो सभापति बन जाओ राज्यसभा के या कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाओ, इन दोनों आर्टिकलों में से एट ए टाइम एक ही क्रियाशील रहता है। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के पद का कार्य करता है तो वह राष्ट्रपति के वास्तविक अधिकारों का पालन करता है तथा राष्ट्रपति को मिलने वाले समस्त वेतन भत्ते आदि का प्राप्त करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्षता करता है तब उसी पद के वेतन भत्ते परिलाभों को प्राप्त करता है। कहने का मतलब एक समय में एक ही काम करेगा, सीधी सी बात है एक समय में एक ही वेतन मिलेगा, यूं। और फिर दूसरी चीज क्या देखो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति मतलब अनुच्छेद 65 का तो मौका मिले कि नहीं मिले व्यक्ति को, ठीक है ना। जैसे उपराष्ट्रपतियों में सबको नहीं मिला, अपन टेबल में देखेंगे उपराष्ट्रपतियों में कुछ चुनिंदा ही हुए जिनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने का मौका मिला है, जैसे मैंने बताया था वीवी गिरी हुए, बीडी जत्ती हुए, ठीक है। लेकिन सभी उपराष्ट्रपति पदेन सभापति तो रहते ही रहते हैं, है कि नहीं है। तो अनुच्छेद 64 की सैलरी तो हमेशा मिलेगी मिलेगी, 4 लाख रुपए मंथली। किस्मत अच्छी है तो कई बार 1 लाख रुपए ज्यादा भी प्रतिमा कमाने के मौके मिल जाएंगे, कैसे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, ऐसे। लेकिन दोनों में से एक ही अपने को काम एक समय में करने का कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, परमिशन देता है, ये चीज। ओके, तो ये अपन ने देख लिया 64 और 65 को, अपन ने दोनों को एक साथ, दोनों उपराष्ट्रपति के जो रोल है उससे संबंधित है। ओके, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 66, उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है जैसे अपने राष्ट्रपति, ये क्या बोलता है आर्टिकल, ये नेक्स्ट वन लिखते हैं।